भगत सिंह का जन्म पंजाब इंडिया में हुआ था। उनका जन्म 1907 में हुआ। वो एक देशभक्त परिवार में पले बढ़े। उनके परिवार वाले आजादी के लिए लड़ने में विश्वास रखते थे। भगत सिंह ने छोटी उम्र से ही भारत की आजादी की लड़ाई के बारे में जाना। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने जवान भगत को बहुत प्रभावित किया। उस समय वो सिर्फ 12 साल के थे। इस क्रूर घटना ने उनके दिल में आग लगा दी। उन्होंने अपने देश की आजादी के लिए लड़ने की कसम खाई। भगत सिंह का परिवार आजादी की लड़ाई में शामिल था। वो गदर आंदोलन का हिस्सा थे। गदर आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकना था। इस माहौल ने भगत सिंह के क्रांतिकारी जज्बे को और भड़का दिया। वो कुछ अलग करने की ठान चुके थे। भगत सिंह क्रांतिकारी विचारों की तरफ खींचे चले आए। उन्होंने दुनिया भर के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ा। वो जुसेप्पे मत्सिनी और व्लादिमीर लेनिन जैसे क्रांतिकारियों से प्रेरित थे। वो उनकी विचारधारा में विश्वास रखते थे। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA में शामिल हो गए। ये एक क्रांतिकारी समूह था। HRA भारत की पूर्ण स्वतंत्रता चाहता था। वो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए विरोध प्रदर्शन और सशस्त्र संघर्ष का सहारा लेते थे। भगत सिंह ने क्रांतिकारी अखबारों में लिखना शुरू कर दिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो अलग अलग नामों से लिखते थे। उनकी लिखावट ने कई युवा भारतीयों को प्रेरित किया। वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गए। 1928 में एक प्रमुख भारतीय नेता लाला लाजपत राय पर लाहौर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह बहुत दुखी हुए। उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की कसम खाई। वो अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने में विश्वास रखते थे। उन्होंने और उनके साथियों ने लाठी चार्ज के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश पुलिस अफसर को निशाना बनाने की योजना बनाई। उनकी योजना एक संदेश देने की थी। वो ये दिखाना चाहते थे कि भारतीयों पर होने वाले अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वो अपने मकसद के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। दिसंबर 1928 में भगत सिंह और उनके साथियों ने अपनी योजना को अंजाम दिया। उन्होंने गलती से एक ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन सॉन्डर्स को अपना निशाना समझकर उनकी हत्या कर दी। इस घटना ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। भगत सिंह और उनके साथी जानते थे कि अब उनका पीछा किया जाएगा। वो लाहौर से भाग गए। वो छिप गए। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। वो जनता को प्रेरित करना चाहते थे। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को निशाना बनाने का फैसला किया। दिल्ली में अम्बेर नेता अम्बी 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बम फेंके। उनका इरादा किसी को मारना नहीं था। उनका लक्ष्य एक बयान देना था। वो अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करना चाहते थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह का मुकदमा शुरू हुआ। उन्होंने मुकदमे को एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज उठाई। जेल में रहते हुए भगत सिंह भूख हड़ताल पर चले गए। उन्होंने राजनीतिक कैदियों के लिए बेहतर इलाज की मांग की। भूख हड़ताल 2 महीने से ज्यादा चली। इसने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा। जनता के विरोध और दया की अपील के बावजूद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। वो उस समय सिर्फ अपने 20 के दशक की शुरुआत में थे। उनकी मौत से पूरे भारत में गुस्सा फैल गया। भगत सिंह का बलिदान उन्हें शहीद बना गया। वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। उनकी बहादुरी और आदर्श आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। भगत सिंह का जीवन और मृत्यु एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनके बलिदान ने आजादी की आग को और भड़का दिया। उन्हें आजादी और न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए हमेशा याद किया जाएगा।